हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैष्णवी कुर्वे। गाइस कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए मेकअप लुक लेके आई हूँ, जो गरबा मेकअप लुक होता है वो लेके आई हूँ। तो आज डे है 5, जो मैंने वीडियोस बनाए थे गरबा लुक, तो मैंने 1, 2, 3, 4 एंड आज का जो है वो 5 डेज रहेगा, तो उसका वीडियो बनाया है कि नवरात्रि में कैसा लुक करें। तो इस साल 5 नंबर वाला व्हाइट साड़ी या व्हाइट लाचा है, तो अगर आपके पास लाचा हो तो आप लाचा भी पहन सकते हो, लहंगा पहन सकते हो, ड्रेस हो व्हाइट तो आप ड्रेस भी पहन सकते हो। मैंने साड़ी को वेयर किया है तो इस तरीके से, एंड इसी पे मैं आज मेकअप करूंगी। तो गाइस प्लीज, अगर मेरा वीडियो आपको कोई भी रीजन से अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, लेट्स गेट। जब भी आप मेकअप करते हो तो सीटीएम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैंने क्लींजिंग कर लिया है, क्लींजिंग यानी सी। अभी मैं लगा लूंगी टोनर, तो ये मेरा फेवरेट टोनर है और इसी को मैं यूज करती हूँ। और जब भी आप टोनर लगाते हो आपकी आईज प्रॉपरली बंद होना चाहिए। गाइज एक बार मैंने ऐसे ही आंखें मेरी ओपन थी और मैंने लगा लिया था, तो बहुत दर्द हुआ था मेरे आंखों पे। तो जो भी आप प्रोडक्ट लगाते हो तो आंखें बंद करके ही लगाइएगा, ताकि आपके आंखों में कोई भी हार्म ना हो। तो क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर में मैं आज फिर से मेरा ये मिल्क एंड हनी का जो ओरिफ्लेम का मॉइस्चराइजर है वो लगा लूंगी। गाइस गरबा के मैंने जितने भी लुक बताए हैं बहुत ही सिंपल हैं, आपको पार्लर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सो प्लीज आप घर पे ही रेडी हुई है, मेरे वीडियोस देखिए और उससे सीखिए। तो मैंने मॉइस्चराइजर लगाने, तो सबसे पहले लगा लूंगी मैं प्राइमर। तो देखिए एंड प्राइमर लगाने के बाद लगाऊंगी मैं ये फाउंडेशन, फिनिश वाला फाउंडेशन लगा रही हूं मैं आज। देखिए इस तरीके से फाउंडेशन को लगा लूंगी। ये भी फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद आया है, इसका रिजल्ट पूरा मैट फिनिश वाला है। एंड फाउंडेशन लगाने के बाद लगाऊंगी मैं ये कॉम्पैक्ट। एंड कॉम्पैक्ट लगाने के बाद करूंगी मैं पूरा आई मेकअप। तो आई मेकअप करने के पहले मैं करूंगी आईब्रोज को अच्छे से फिल। तो स्टार्टिंग में लगाऊंगी मैं ब्राउन कलर। एंड लास्ट में मैं लगाऊंगी मैं ब्लैक कलर। तो ये ब्लैक है। इस तरीके से एंड इसे कर लूंगी अच्छे से ब्लेंड। तो देखिए इस तरीके से, एंड इसके बाद करूंगी मैं मेरा आई मेकअप। तो आई मेकअप करने के लिए मैं लगा लूंगी सबसे पहले ब्राउन कलर। तो मेरे ये पैलेट से मैं ब्राउन कलर ले लूंगी सबसे पहले एंड मेरे क्रीज लाइन पे लगा लूंगी। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगी इसे और अच्छे से दिखाने की, तो मैं ये कलर लगा लूंगी। एंड इसके बाद करूंगी मैं आई मेकअप। आई मेकअप जब तक कंप्लीट होता नहीं तब तक लुक समझ में नहीं आता है। तो मैं लगा लूंगी सबसे पहले लाइनर।
एंड इसी लाइनर को मैं नीचे से भी लगा लूंगी, मुझे आईज थोड़ी ब्रॉड दिखानी है तो इस तरीके से। एंड उसके बाद आती है बारीक काजल की। तो इस तरीके से मैंने काजल भी लगा लिया है एंड उसके बाद लगा लेती हूँ मैं मस्कारा। तो इस तरीके से मैंने मेकअप किया है। अभी बारी आती है लिपस्टिक की, तो मैं लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से एंड इसके बाद कर लूंगी मैं हाईलाइट। तो फिर से मैं MN का ही हाईलाइट लूंगी, हाईलाइटर, एंड इससे हाईलाइट कर लूंगी। एंड लास्ट में मैं लगा लूंगी बिंदी एंड उसके बाद मैं हेयर स्टाइल एंड ज्वेलरी वेयर करने के बाद आपके साथ लुक शेयर करती हूँ। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, जो मैंने लुक क्रिएट किया है वो आपको पसंद आएगा। तो इसी तरीके से अगर आप मेकअप करते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो आपको मेकअप करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेकअप घर बैठे ही सीख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने पूरा मेकअप किया है, मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ मेरा। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसी तरीके से मैं वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, तो प्लीज चेक कीजिए मेरे चैनल को एंड प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।